यहाँ पर एक सवाल है, यदि y cos x बराबर x cos y तो सिद्ध करो dy upon dx बराबर cos y plus y sin x plus x sin y। तो बिल्कुल सरल सवाल है, दिया है आप लिख ही लेंगे और इसके बाद दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ भी लगेगा क्या, गुणा वाला पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले, और यहाँ भी पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, और यहाँ पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का। cos x का बोलिए, सही है, y का बोलिए dy upon dx, cos y का बोलिए माइनस साइन y इंटू dy upon dx, x का बोलिए कोई दिक्कत, ये दिख रहा है cos x dy upon dx लिख लिया है, ये दिख रहा है ये माइनस cos y का एक हो जाएगा प्लस का, बराबर देखिए cos y जो का तो लिखा है माइनस के y साइन x, इस तरह पाए दो काय के हो गए, बस अब dy upon dx क्या ले लीजिए कॉमन और इसको ले आइए कहाँ बटे में, हैंस हो जाएगा, एकदम सरल है। चलिए यहाँ पर y का मान, x का मान दिया है y log x y, बिल्कुल मत डरिए बिल्कुल सरल करा दूंगा गारंटी, बस ध्यान दीजिए y log x y दिया, सिद्ध करना dy upon dx और y x minus y x x plus y। तो भैया इतना तो सभी लोग समझते हैं, बट y को कहाँ ले आए बटे में, क्योंकि देखो यार ये गुणा फिर अब log x y माने क्या होता है, अरे यार हाँ log x plus log y, तो क्या फिर ये गुणा मर गया, तो ये भी गुणा वाला और ये भी गुणा वाला, इस चक्कर में बहुत लंबा सवाल हो जाता, इसलिए हम इस y को कहाँ ले आए हैं बटे में। अब बस दोनों पक्षों को x के सापेक्ष x अपॉन y का कर पाओगे, अंश बटे हर का कैसे करते हैं, हर का स्क्वायर फिर हर का स्क्वायर हर गुणित गए अंश का माइनस अंश गुणित गए हर का, log x का 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फिर x का 1 और इसका dy अपॉन dx, ये y स्क्वायर का क्या कर दिया पक्षा है, y स्क्वायर एकम y स्क्वायर और यहाँ भी y स्क्वायर एकम, कोई दिक्कत स्टेप में, चलो y y स्क्वायर अपॉन x कहाँ ले आए इस तरफ, y स्क्वायर अपॉन y कितने हो गए y dy अपॉन dx, माइनस के x काय के हो गए प्लस के, कोई दिक्कत, अब अंशी का इतना सा काम रह गया तुम नहीं कर पा रहे, लघुत्तम ले लिया अपन ने एक्स वाई माइनस y स्क्वायर अपॉन x, यहाँ क्या करेंगे dy अपॉन dx क्या ले लेंगे कॉमन, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाए, क्या किया अपन ने बताओ जरा, ऊपर से y क्या ले लिया है कॉमन, ठीक है फिर क्या करना है बताइए, बताओ यार इतना सा रह गया, इसको कहाँ ले आएंगे बटे में, y प्लस एक्स हो चाहे x प्लस y हो एक ही बात है, हेंस क्या हो गया प्रूफ, कठिन लगा क्यों नहीं लगा कठिन अपन को, क्योंकि अपन ने x कहाँ लिया है y कहाँ लिया है बटे में, तो सवाल बहुत सरल हो गया। चलिए कर दिया है x sin y और सिद्ध करना है dy upon dx बराबर y upon x into 1 minus x cos y, वही करना है जो सब पिछले सवाल में किया था, सवाल इससे ही सरल पड़ेगा, y x को कहाँ ले आए बटे में, नहीं मिलाओगे लोगे तो भी सरल पड़ेगा, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है ना, और साइन वाई दोनों पक्षों एक्स के सापेक्ष यही वही हर का स्क्वायर हर गुणित गए अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित गए, और साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, आप ये नहीं भी करें तो भी चलेगा, फिर मतलब सीधा गुणा वाला भी सूत्र लगा दे रोहित तो भी हो जाएगा, शायद उसे सरल पड़ा हो मुझे पता नहीं, ठीक है अब क्या आएगा ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एक्स का कितना हो जाएगा वन कॉस वाई सॉरी यहाँ पे हाँ एक्स स्क्वायर का अपन ने क्या कर दिया है पक्षांतर एक्स स्क्वायर कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अब क्या करेंगे रोहित अपन इस एक्स स्क्वायर कॉस वाई को कहाँ ले आएंगे इस तरफ, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का बराबर वाई, फिर सुनो बेटा ये प्लस का नहीं होगा यहाँ पे पक्षांतर करने पे काय का हो जाएगा माइनस एक्स ले लिया अपन ने कॉमन बस बराबर में क्या आ गया वाई, लो मान आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स कॉस वाई, समझ गए गुणा करके ज़्यादा सरल पड़ा है क्या, हाँ तो गुणा वाले सूत्र से कर लो x बटे में लागे करके देख रहे हैं कि ज़्यादा सरल कौन सा पड़ता है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, हाँ भैया तो साइन y का अवकलन क्या हो गया cos y dy upon dx, अरे भाई ये तो बहुत ही सरल पड़ेगा साइन y और इसका हो गया a, सही है। अब रोहित
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, कॉमन, वन माइनस एक्स कॉस वाई बराबर साइन वाई। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको लगेगा यार शायद प्रॉब्लम हो गई है, देखो सिद्ध नहीं हुआ, देख लो ज़रा, सुन लीजिए, मान अपन रखो, आ देखिए सिद्ध क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स कॉस वाई, ये सिद्ध करना था, पर ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। इसके लिए हम यहाँ से दिख रहा है सीएल समीकरण एक से साइन वाई का मान निकालें कितना है, वाई अपॉन एक्स, और जैसे ही हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वाई अपॉन एक्स, ये हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव। तो अगर आप बटे में लाके करेंगे तो आपको ये दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बटे में लाके नहीं करेंगे तो आपको आखिरी में साइन वाई का मान रखना पड़ेगा, साइन वाई का मान यहाँ से आएगा वाई अपॉन एक्स। नहीं आया समझ में, अब आपकी इच्छा है आपको ऐसे करना है। यहाँ पर जो सवाल है वो लिखा है एक्स करनी वाई प्लस वाई करनी एक्स बराबर क्या लिखा है एक, और सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये जो भी लिखा है उनको अब इतना करने पर जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों एक्स आप इस क्या करने पर अवकलन, पहले इसका करेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन फिर वो यहाँ पे पहला फलन दूसरे दूसरा फलन बराबर एक का अवकलन, पता है ना, अचर पद का अवकलन क्या होता है जीरो। चलिए बेटा करणी वाई का बोलिए, वन अपॉन दो करणी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब करणी वाई हो गया, एक्स का बोलिए वन, वाई करणी एक्स का बोलिए वन अपॉन दो करणी एक्स और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। अब रोहित केवल डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो है वो इस तरफ रखेंगे, बाकी सब कहाँ लेके जाएंगे, इस तरफ। ये देखिए x बटे दो करनी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत है, ये वाला टर्म देखिए करनी x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के करनी वाई काय के हो गए, y बटे दो करनी x काय के हो गए, इसमें से अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लिया, फिर लघुत्तम लेना ही पड़ेगा, वो तो दो करनी वाई का x में, तो दो करनी x करनी वाई बटे में दो, कोई दिक्कत, यहाँ दो करणी एक्स करणी वाई माइनस वाई अपॉन दो लघुत्तम लेने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाले शिपका दपन, ये तो जो कहते हो लिखा, देख लीजिए कुछ चेंज नहीं किया इसमें, किया है देखो, अरे किया है यार, करणी एक्स क्या लिया है कॉमन, और यहाँ से इनमें से क्या कॉमन आएगा, ये वाई है, वाई को क्या लिख सकते अपन, करणी वाई करणी वाई, उससे करणी वाई क्या आ जाएगा कॉमन, कौन सा माइनस का, तो माइनस का करणी वाई क्या ले लिया अपन ने, कॉमन। बस अब पक्षांतर करना है, दो करणी वाई कहाँ आ गया, ऊपर, और ये कहाँ आ गया, नीचे, दो बार करणी वाई क्यों हो गए, समझ गए नहीं समझे, अच्छा दो से दो क्या हो जाएंगे, करणी वाई इंटू करणी वाई और करणी एक्स इंटू करणी एक्स एक्स, देख लीजिए आप हैंस क्या हो गया। यहाँ पर दिया है वन माइनस एक्स ई टू द पावर टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, और सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, क्या आप इसको बटे में लेके आए हैं, नहीं लेके आए, इसके बाद क्या आपने दोनों पक्षों का लॉग लिया है, है ना, अब देखो ये बटे में लाओगे लॉग लोगे लॉग और ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, नहीं समझे, तो लॉग एम टू द पावर एन बराबर एन लॉग एम, तो टू वाई कहाँ आ गया, आगे आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, और यहाँ क्या आ गया log m n बराबर log m अपॉन n बराबर, सॉरी यहाँ बटे लगा लीजिएगा, m अपॉन n बराबर log m माइनस log m, माइनस वाला फॉर्मल लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस वाला लिख के आए, तो log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, फिर क्या log e क्या हो गया 1, तो 2y बराबर log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस, अब बस वही करना है, क्या करना है बताओ, दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन। चलिए कौन बोलेगा वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वन प्लस एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स का करेंगे तो वो तो वन ही होना है, और लॉग वन माइनस एक्स का वन अपॉन वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स, चलो वन प्लस एक्स करो वन वन माइनस एक्स करो, सही है, अब गुणा कर देंगे तो ये फर्क तो आएगा नहीं, बस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लघुत्तम लो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा
एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, एक और एक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस दो से दो क्या हो गए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस क्या हो गया, किस किसने किया है, पर थोड़ा सा मैं लेंदी कराऊंगा, आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। लेंदी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं, ऐसा नहीं बने नहीं गाने। तो इसमें लिखा है या दिया है 1 अपॉन टू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले देखो लॉग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, लॉग अगर हटने होते ना तो प्लस माइनस वैसे नहीं हटते दोनों का, नहीं होगा अगर आपको याद हो तो। अपन पक्षांतर कर देते हैं, टू का क्या क्या हो गया 2x, दोनों पक्षों एक्स आप अपकन करने पर ई टू द पावर वाई का अलग, ई टू का माइनस वाई का अलग, और 2x 2 और d अपॉन dx ऑफ x, ई टू द पावर वाई का हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत, ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस वाई और x का हो जाएगा वन। मानसी y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस वाई और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लिया, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर बराबर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया 2 अपॉन ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर। तो ये सवाल यहाँ पे हो चुका है, अगर सिद्ध करने नहीं होता तो हम यही आंसर लिखा देंगे डी वाई अपॉन डी, लेकिन उनने तो सिद्ध करने कुछ और ही बोला है 1 अपॉन। तो इतना सवाल देख के आज इतना घबरा जाता है कि ये कहाँ ये कहाँ वो, तो यहाँ से ही सवाल की चालू होता है, मतलब कह जी असली सवाल चालू होता है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर आपने पहले से ये नहीं किया तो निश्चित ही आप मुसीबत में चले। तो वैसे तो ये फालतू लंबा हो रहा है, अब वैसे यहाँ तक हो गया है। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। अब अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख दूं तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्लस में मैं फोर ए बी लिख देता हूँ, फोर ए बी में से टू ए बी गए तो प्लस के टू ए बचे। तो अब ये जो डब्बे के अंदर लिखा है ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। मैथ्स वालों के लिए बहुत छोटी चीज़ है, मैंने भी इलेवन तो खूब सिखाया है कि प्लस और माइनस के फॉर्मूले में फोर ए बी का अंतर होता है ना। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अब यहाँ से अगर हम ए प्लस बी का मान निकाले तो क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए। इसको आप ऐसा फॉर्मूला इतना ना करके सीधा ये फॉर्मूला होता है, और ये आपने अगर समेशन का वर्गमूल निकालना हमसे पढ़ा है तो हमने जरूर यूज़ कराया होगा आपको, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं तो यही मानता हूँ बच्चों को कुछ नहीं पता। तो आप इसको इतना सब ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए। अब मैं क्या करूँगा, ए की जगह रखूँगा ए टू द पावर वाई और बी की जगह रखूँगा ए टू द पावर, कुछ भी रख सकते सूत्र है। तो ए टू द पावर वाई प्लस ई टू का माइनस वाई और यहाँ वाई ई टू का माइनस वाई का होल स्क्वायर फोर ई टू वाई ई टू का माइनस वाई। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि अपना जो आंसर आया था वो था 2 अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस ई टू माइनस वाई, और हमें पता यही प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी तो सब सेम था, तो हम इसी का मान निकालना चाहते थे, समझ गए, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। यहाँ क्या आएगा, ई टू द पावर वाई माइनस ई माइनस वाई को होल स्क्वायर, और ये अब आप देख लीजिए आपके पास का मान है, देखो है, देखो दिख गया नहीं दिखा, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, आधार समान तो घाते y माइनस वाई, बताइए 2x का स्क्वायर और ई टू द पावर जीरो। किसी भी संख्या में शून्य की घात का मान एक होता है। चार के आ गया बेटा अपना, तो चार का वर्गमूल क्या आ गया, दो बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को अपन ने लिख लिया वन प्लस एक्स। कोई दिक्कत, बात खत्म, यह मान समीकरण एक में रखने पर यही था समीकरण एक। अब इसका मान निकाल लिया कितना है, टू अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू से टू, समझ आया सब नहीं आया, कई लोगों ने इसको शॉर्ट किया वो बिल्कुल सही किया है, मैंने इसको लॉन्ग कराया है। चलिए शॉर्ट कैसा किया, उन्हें सीधा यहाँ क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया ए प्लस बी का, तो उनका जल्दी हो जाएगा सवाल निश्चित ही। आप लापरवाही ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का एक कॉपी अगला सवाल एनसीईआरटी का है तो वह करना है, बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी। रश्मि बेटा यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, कौन कीजिए, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। कई बार ये सवाल इतना ही आता है इतना ही होता है, लेकिन इस सवाल में अलग से लिखा है एवं एक्स बराबर जीरो पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो जब तक ये पेपर में नहीं आया तब तक ये सवाल सिद्ध करो तक ही था,
तो ये सवाल नहीं, ये सीख है, पेपर में एकदम ही टू कॉपी नहीं आता। ओके, ध्यान से देख, दिया है वही साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। अब आपने ये बटे में लाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लाए हैं क्या? yes, ये बटे में लाने से क्या होगा, वाई वाई टर्म एक तरफ हो जाए, एक्स वाले एक तरफ, हम इसलिए आए बिकॉज हर का क्या होता है, स्क्वायर, हर का स्क्वायर होता हो, देखो यहाँ, इसलिए मुझे लगा कि इसको कहाँ लाना चाहिए, बटे में, दोनों पक्ष हो एक्स के सापेक्ष, हर का स्क्वायर, देखो अब यहाँ कर रहे हैं आगे इसके बाद मानसी, हर का स्क्वायर और हर गुणित गए अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित गए हर का बराबर में एक, क्यों एक, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का अकेला कॉस वाई, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी ए, फिर साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, फिर किसका होगा, ए प्लस वाई। अब लगता है यार ए का जीरो होगा, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, तो डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, पर हम नहीं लिखते डायरेक्ट, हमारे साथ सब बच्चे सही है। इसका कर दिया है पक्षांतर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का एक में किया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, कोई दिक्कत? अब बच्चों साइन ए प्लस वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ए का हो गया जीरो, वाई का हो गया डी वाई अपॉन बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या ले लिया, देखो ज्यों कहते हैं, कुछ अलग तो नहीं किया, किया है, इसको आगे लेगा इसको पीछे, इससे कोई फर्क नहीं। अब है मेन चीज जो बच्चों को नहीं पता होती, वैसे पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, काय का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, यहाँ आया ए प्लस, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर को माइनस कर लेना, माइनस कर लेना ध्यान से, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, काय का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस, तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, नहीं समझे ना, वाई से वाई क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा साइन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर रोहित डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ। अब कीर्ति बेटा बहुत ध्यान देना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ये तो हो गया, कोई भी कर लेगा, बस उसको ये पता हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस, वरना नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, अब जगह नहीं बची है, देखो ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर एक, अब मैं यहाँ करूँगा, जगह बची नहीं है, जब x बराबर जीरो तब समीकरण एक से साइन वाई बराबर जीरो, कैसे, जीरो इंटू साइन जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं साइन जीरो, क्यों, साइन जीरो को मान जीरो होता है ना, साइन बाय बराबर साइन जीरो, तो बाय बराबर क्या आ गया जीरो। ये सब नौटंकी नहीं करनी होती अगर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के पदों में होता, किसके पदों में होता, हम सीधा एक्स का मान क्या रख देते, जीरो। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, और उसके लिए हम यहाँ वाई की जगह, समझ में आया सर, लेकिन एक्स की जगह जीरो रखना था तो रखा ना, एक्स जब जीरो है तब वाई भी क्या है जीरो, समझ आया। अब बस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, आंसर आ गया साइन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर मान है साइन ए। यहाँ पर एक सवाल दिया है, टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर वाई इज इक्वल टू टू दी पावर एक्स, तो सिद्ध करना है वो आपके सामने लिखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए टू दी पावर एक्स का अवकलन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो टू टू दी पावर एक्स का हुआ है टू टू दी पावर एक्स लॉग टू, ठीक है। तो शुरू करने के लिए वही दोनों पक्षों एक्स यहाँ पे अवकलन करने पर तीनों का हो जाएगा, टू टू दी पावर एक्स का बोलिए जोर के बोलिए, टू टू दी पावर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये वाई है एक्स का टर्म चल रहा है, टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई का टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई, लेकिन फिर किसका होगा एक्स प्लस वाई का, भूल गए, टू टू दी पावर वाई का टू टू दी पावर वाई लॉग टू लिखा, लेकिन फिर किसका किया वाई का, टू टू पावर एक्स प्लस वाई का टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई लॉग टू, लेकिन फिर एक्स प्लस वाई, तो ये यहाँ से अपन ने लॉग टू क्या ले लिया है, टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स, यहाँ पर टू टू दी पावर वाई एक्स वाई लॉग टू, एक्स का हो गया वन, वाई का हो गया डी वाई पॉइंट डी एक्स, लॉग टू से लॉग टू, सही है, कुछ किया नहीं है यार मैंने खास,
टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई का एक में किया तो टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई, और टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई का इसमें किया तो टू टू एक्स प्लस वाई डी वाई पॉइंट। कोई दिक्कत? अब मेन स्टेप ना समझो, दिक्कत हो जाएगी। ये देखो लिखा है यहाँ पे, अब ये वाला टर्म डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले सब एक तरफ करने पड़ेंगे। ले आए इस तरफ, यहाँ लिखा टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई और ये माइनस टू टू दी पावर एक्स। वैसे तो ये स्टेप नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आधार समान तो खाते तो अलग अलग कर ली, टू टू एक्स टू टू पावर वाई नहीं कर सकते अलग अलग, सेम यहाँ टू टू दी पावर एक्स टू टू पावर वाई माइनस टू टू। अब इससे होगा क्या, यहाँ टू टू दी पावर वाई क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो टू टू दी पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लिया, कॉमन बचा वन माइनस टू टू दी पावर एक्स, यहाँ से क्या कॉमन बचा क्या टू टू दी पावर वाई माइनस वन। अब करना क्या है, इसको और इसको कहाँ ले आओ, बटे में, हैंस क्या हो गया, नहीं आया समझ, ऐसे किया है।